ये पेनाल्टी शूट आउट का स्ट्रेटजी बन रही है इस समय फलक की टीम के साथ, और ये पेनाल्टी शूट आउट की स्ट्रेटजी बन रही है रिया की टीम के साथ भी, और स्ट्रेटजी कंप्लीट। सर दो सब लोग कर सकते ना गोल कीपर, अबे तुमको पार्टिसिपेट करने की बात जीतना है, जाओ गोल कीपर सर गोल कीपर गोल नहीं कर सकता, गोल कीपर गोल नहीं कर सकता, मतलब सर जब शूट करेगा वो तो गोल कीपर ना, गोल कीपर केवल रहेगा यहाँ पे, चूंकि मैच छोटे स्तर का है तो इसमें आप अगर आपके पास कोई किक करने वाला नहीं है तो आप गोलकीपर ले सकते हो। ठीक है फिर, चलो रिया जाओ करो गोलकीपिंग। अरे अभी नहीं, अभी हम लोग का शूट आउट है, करा दीजिए। गोलकीपिंग कौन करेगा? गोलकीपिंग में हम लोग में कोई कर लेगा, रिया बॉल वाला, हां रिया ही कर लेगा। चलो ले आओ, इधर इधर हो सकता है यहां से ना सर। पहले रिया 11 की, रिया 6 की टीम जो है गोल के लिए पेनल्टी शूट आउट के लिए तैयार है, और पहले शूटर हैं सौर्य केशरवानी। और ये देखिए शुरुआत हुई, और तो पहला अटेम्प्ट खाली गया, और अब फलक की टीम अब प्रयास करेगी, और अब फलक शूट करेंगी। ये पहला गोल फलक ने किया, रिया सुनकर बॉल को रोक नहीं सकी। एक जीरो है स्कोर इस समय, रिया दूसरे अटेम्प्ट में रिया की टीम का, और ये बहुत ही शानदार तरीके से फलक ने एक गोलकीपर के रूप में बॉल को रोका। रौनित ने जो शॉट खेला था वो मिस हुआ, और ये एक और गोल आराध्या ने किया। और आशी अब शूट करेंगी, एक एक से स्कोर बराबरी पर, और ये बाहर गया। इस तरीके से तीन तीन अटेम्प्ट हो चुके हैं दोनों टीमों के, और एक एक की बराबरी पर है स्कोर इस पेनाल्टी शूट आउट में। अब दो 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 अटेम्प्ट दोनों टीमों के बचे हैं, और अब तनु, और ये तनु से भी बाहर हुआ बॉल, और अब ये आदित्य हैं, और बचा लिया रिया सोनकर ने। इस तरीके से एक एक स्कोर हो चुका है, और आखिरी चांस है रिया के लिए, ये आखिरी अटेम्प्ट है, एक एक की बराबरी पर है स्कोर। अगर ये टाई होता है तो सिक्के से इस मैच का, थोड़ी सी लड़ाई भी चल रही है इस मैच में, और ये ऊपर से निकल गया बॉल। इस तरीके से अभी भी स्कोर एक एक की बराबरी पर, और आखिरी अटेम्प्ट है। अगर ये अटेम्प्ट भी खाली गया तो निश्चित रूप से इस मैच का जो फैसला है वो टॉस से होगा। हम बता देंगे।
और आखिरी शूटर हैं रिया चौबे, और रिया सोनकर हैं सामने। सभी की एक्सपेक्टेशन, और इस तरीके से इस मैच में पेनाल्टी शूट आउट में भी फैसला नहीं हो सका। हाँ इस बार केवल 3 चांस, और ये पहला चांस रोक लिया फलक 6 की। अब रिया 6 की टीम, ये मैच बहुत ही रोमांचक होता हुआ फलक 6 और रिया 6 के बीच। आराध्या, और ये मिस हुआ, इस तरीके से दोनों अटेम्प्ट मिस हुए। अभी भी 2-2 चांस बाकी है दोनों टीमों का, फलक 6 और रिया 6 के बीच ये फुटबॉल का मैच। और इस गोल को भी बचा लिया, इस शूट को भी बचा लिया। इस तरीके से अब अभी भी दूसरे पेनाल्टी शूट आउट में भी अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, और ये बहुत ही सिंपल, इसको भी बचा लिया। आखिरी चांस है इस दूसरे शूट आउट में भी, आखिरी चांस। और इसी के साथ ये निर्णय, और इस तरीके से रिया 6 की टीम जीत गई है। ये रिया 6 की टीम के जीतने का उल्लास फुटबॉल मैच में।